हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फातहान रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कह सकते हैं कि मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो अप टू डे है। आज इसकी काफ़ी रिक्वेस्ट की गई, कल भी कई कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रही है, आप चेक इट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो का टाइटल है 20 रीजन टू विजिट नेपाल इन 2020 फॉर लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। मुझे भी कहा गया कि आप भी नेपाल आए 2020 में, मतलब 2020 में। सो मैंने बोला यार इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, तो मैं 2020 में आने की कोशिश मतलब जारी है। आप लेकिन मतलब आ पाऊँ, बट अल्लाह मालिक के क्या होता है वो बात की बात है। बट आज हम रिएक्शन देने वाले इस वीडियो के ऊपर, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, क्यू एन ए वीडियो आने वाली है, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल है, आई कार्ड में है, तो व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जगह तो बड़ी वी आई पी है, जैसे कि 2020 वाली दूसरी वीडियो देखी थी। अब इस वीडियो में बताएंगे फर्स्ट सनराइज। अच्छा है, बहुत ज़्यादा अगर देखने के लिए काबिल है और आप देख सकते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। अमेजिंग यार, ओ तेरी, ये बड़ा भी है यार, बहुत मज़ा है इसमें। ओहो हो, द माउंटेन, माउंटेन्स के बारे में आप कितनी जगह बता चुका हूँ, तो नेपाल के माउंटेन्स इज अमेजिंग। हिल्स के बारे में भी बता चुका हूँ, बहुत अच्छे हैं आपके। ऐसे करना चाहिए नेपाल का, 2020 में बहुत ही अमेजिंग कंट्री है। अच्छा, चिराई चिराई मीन ग्रीनरी, ग्रीनरी आई थिंक, ग्रीनरी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ग्रीनरी। प्यूपल्स, बहुत पुराना कंट्री है एज अ हिंदू कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर, हैंडक्राफ्ट। डांस ये डांस बहुत अच्छा है, इसके काफ़ी वीडियोज आते हैं कि बेबी जेल बाली बात देखी बहुत अच्छा। सारे जंगल और सारे एनिमल्स आपको निभाने मिल गया है। छोटा घर ये भी लोग खुश हैं, सन साइड ठीक है। 2020 में आपको विजिट करना चाहिए यार, नेपाल एट वंडर।
वीडियो का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इनके ओरिजिनल वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं, इनके चैनल को भी कर सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन है तो आप भी उनसे कर सकते हैं। यार वैसे नेपाल के काफ़ी वैसे नेपाल की इस तरह एक और वीडियो के ऊपर भी मैं रिएक्शन दे चुका हूँ, तो उसमें भी मैंने बताने की कोशिश की थी कि यार नेपाल 2020 में क्यों विजिट करना चाहिए। उसमें मैंने बोला था कि कुछ रीज़न है जिसकी वजह से आपको विजिट करना चाहिए, और ये वो वीडियो है जो उसमें इसका रीज़न बताया, 20 रीज़न, सनसेट, सनराइज, माउंटेन्स, हिल्स और नेचर, फूड, पीपल, फेस्टिवल, होम्स और ग्रीनरी, चिराई, आई थिंक तिराई इसको बोलते हैं, जो भी है, बट बहुत ही अच्छा है। एंड नेपाल के काफ़ी लोग मुझे इसी वीडियो को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप रिएक्शन दो प्लीज़। मैं आप सब लोगों की रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूँ, बट मुझे टाइम मिलता है तो मैं टाइम जैसे कि टाइम कम होता है तो उस वजह से मैं रिएक्शन नहीं दे पाता, तो उसके लिए माजत चाहते हैं। बट मैं हर बंदे की रिक्वेस्ट कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ कि यार मुझसे वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाए। बट अगर कुछ रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं, या जो जिसको मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाता, तो आप ये भी हो सकता है कि यार इस वीडियो में कॉपीराइट इशू हो जिसकी वजह से मैं रिएक्शन नहीं दे पाता। बट जो भी है बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे ये वीडियो, बहुत ही सबसे पहले अगर बात करूँ नेचर की तो बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है वहाँ पर, एंड द फेस्टिवल्स आर अमेजिंग, जो बुद्धिस्ट एंड हिंदू, वही पुराना जो हिंदूइज्म का पुराना कल्चर है वहाँ पर, वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात मुझे वहाँ की लगती है माउंटेन्स, जो माउंटेन्स है वहाँ के पहाड़ है वो, क्योंकि वहाँ में जो पहाड़ है वो आपको पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा तरीन पहाड़ भी वही है, और बाकी पहाड़ी सिलसिले भी वहाँ पे है, तो बहुत ही अच्छा है। नंबर 3 वेदर के बारे में बात करें तो वहाँ के वेदर बहुत अमेजिंग है, और बेसिकली कराची का कोई भी बंदा जब किसी दूसरी शहर में जाता है, दूसरे शहर में जाता है, तो उसको यही चीज़ है यार उस शहर में बारिश कब होगी। वैसे कराची में बारिश होती नहीं क्योंकि यहाँ पे समंदर है, तो समंदर की वजह से कराची में बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है। सो अगर कोई बंदा इसी जगह पे जाए जहाँ पे वेदर अच्छा हो और वहाँ पे वेदर इंजॉय करने जाए, तो फिर बंदा मतलब वेदर इंजॉय ना करे तो फिर जाए क्यों। और मेरे जैसा बंदा तो जाए तो सबसे पहले उसका यही काम होता है कि यार मैं तो जाऊँ तो मैं पहले वेदर इंजॉय करूँ और व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि जब व्लॉग और ये वेदर का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। मतलब बंदा जाए व्लॉग एडिट करे और एडिट करे और व्लॉग बनाए और वहाँ का नेचर इंजॉय करे, वहाँ का मौसम इंजॉय करे, वहाँ के माउंटेन्स इंजॉय करे, वहाँ के हिल्स इंजॉय करे, वहाँ के फूड इंजॉय करे। फूड के बारे में अब बात आई, सो काफ़ी मुझे बताया गया है कि नेपाल की फूड भी अच्छी है, तो फूड के बारे में एक वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी। तो हम जो है कोई भी वीडियो आप सजेस्ट कर सकते हैं फूड के बारे में डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में आप मुझे कोई भी वीडियो की कमेंट में आप मुझे कोई भी वीडियो फूड के बारे में बता सकते हैं, और फूड के बारे में हम रिएक्शन देंगे जो आपको अच्छी लगे। तो आपके पास आपको जैसे कि आपको पता है कि यार ये फूड की वीडियो अच्छी है, ये पुरानी है, नहीं है, जो भी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूंगा। दूसरी बात ये कि वहाँ का जो जैसे फूड के बारे में मुझे नहीं पता सीरियसली, और ना मैंने खाया है कभी, सो मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी वीडियो बना पाऊँ या आप लोग मुझे ऐसी वीडियो दे जो यार थोड़े से अच्छे हो जैसे बार। बट जो भी है फूड के बारे में ऐसा लगता है कि यार फूड वहाँ का बहुत ही अमेजिंग है, और टीका बहुत फैंटास्टिक फूड होगा, बहुत मसालेदार फूड होगा, लगता तो ऐसा ही है। बट जिस तरह के तिक्की से तिक्का बूटी से लगे, चाट वगैरह से लगे, और ये दाल भी जैसे लगा, तो लगता है कि यार नेपाल का फूड भी अच्छा है। सो कोशिश करते हैं कि हम नेपाल के फूड के बारे में वीडियो बनाएं, बट इस टाइम पे हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे, कहाँ किस चीज़ की फेस्टिवल के बारे में। तो नेपाल मल्टीपल हाँ बहुत ज़्यादा धर्म है वहाँ पे। सो सबसे मेन जो है वहाँ पे हिंदुइज्म, मतलब हिंदू कल्चर है, हिंदुइज्म है, मतलब बुद्धिस्ट पुरानी कल्चर, और सबसे ज़्यादा हिंदू है, हिंदुओं का सबसे बड़ा कंट्री है और वहाँ पे ज़्यादा हिंदूज है। सो हिंदुओं के बहुत सारे कल्चर होते हैं, हर फेस्टिवल अलग अलग के फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो फेस्टिवल जब मनाते हैं तो पूरे कंट्री में खुशियाँ फैलती है, और हीरे जैसे कि होली, दिवाली और नवरात्रि, बहुत सारे और भी कल्चर है, क्योंकि पाकिस्तान में भी काफ़ी हिंदू है और मैं जॉब जहाँ करता हूँ वहाँ पे भी हिंदू है। तो जब कोई कल्चर होता है तो मुझसे पूछे तुम्हें पता है, तो मैंने बोला यार मुझे क्यों नहीं पता, वैसे कि पता चल जाता है ना इंटरनेट की वजह से, तो मैं बोलता हूँ आज तुम लोग का ये जैसे कि कल अगर कोई उनका फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है तो मैं बता दूँ कि कल आपका ये फेस्टिवल है, तो वो लोग भी फिर खुश होते हैं। सो सबसे बड़ा ये अच्छा लगता है कि वहाँ पे मतलब मल्टीपल और मुस्लिम्स भी है, इस्लाम का भी बड़ा वहाँ पे है, मतलब बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं वहाँ पे। सो बहुत
कल्चर वाइज एंड फेस्टिवल वाइज भी बहुत अच्छा है मोर कंट्री। 2020 में आपको विजिट करना चाहिए नेपाल, 2020 में सॉरी 19, जैसे कि मैंने कल लाइव सेशन किया तो मुझे भी काफ़ी बार कहा गया कि आप नेपाल आए और इन्जॉय करें, तो बिल्कुल यार हम कोशिश करेंगे नेपाल आने की, और जब भी आएंगे इंशाल्लाह ऐसे मौके पर आएंगे कि हम भी इन्जॉय कर पाए, आप भी इन्जॉय कर पाए, और वो वीडियोज जितने भी होगी वो व्लॉग चैनल पर आएगी जब मैं आऊँगा और इन्जॉय करूँगा, तो सारी व्लॉग चैनल पर, क्योंकि व्लॉग चैनल इसलिए मैंने बनाया है ताकि मेरी रियल लाइफ के बारे में आप लोगों को पता चले कि मैं क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ और लाइव में क्या करता हूँ, तो इसके बारे में आपको जानना है तो आप जा सकते हैं व्लॉग चैनल के ऊपर, व्लॉग चैनल पे जाके मतलब वीडियोस देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड मेरा टारगेट आप कंप्लीट करा दे। मैंने जैसे कि कल लास्ट सेशन में बोला था कि यार 1000 सब्सक्राइबर मेरे दिसंबर में कंप्लीट करा दे व्लॉग चैनल पे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस करके आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।